नमस्कार दोस्तों, मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि एसटीए का अगला अपडेट क्या आया है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है तो बताया जाए। तो हाँ दोस्तों, एसटीए की एक नई अपडेट आई है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखी है तो प्लीज़ ऐसी उम्मीद छोड़ दीजिए। मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई है पिछले कुछ वीडियोज़ में, जिसमें आपको ये क्लियर भी किया है कि एसटीए टोकन और एसटीए कॉइन सेम ही चीज़ है, सिर्फ सप्लाई को अलग अलग दिखाया गया और इनका कोई खुद का कोई ब्लॉकचेन है ही नहीं। क्योंकि इतना कोई आसान काम नहीं है ब्लॉकचेन बनाना और उसको रन करना, क्योंकि उसके लिए वैलिडेटर्स भी चाहिए, वैलिडेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए। और जब तक ब्लॉकचेन नहीं होगा तब तक एसटीए का कॉइन भी नहीं होगा। तो आपको पहले भी सच्चाई बताई थी कि एसटीए सिर्फ टोकन था जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर था, और अभी भी ये सिर्फ एक टोकन ही है, ये कभी भी इनका खुद का कॉइन नहीं आया। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले तो गुरतेज जो थे उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अभी जो अरेस्ट वारंट निकला है, लुकआउट नोटिस निकला है, वो डेविड गेज के नाम पर निकला है। इसी के साथ एक और व्यक्ति हैं जिनके नाम पर नोटिस निकला हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देता हूं ताकि आप एक फाइनल डिसीजन ले पाएं कि इस कॉइन को, इस टोकन को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल ऑफ करके अभी फ़ायदे में ही रहोगे। क्योंकि $0.02 के आसपास, यानी कि बहुत कम वैल्यू चल रही है, लेकिन कुछ सेंट्स में वैल्यू चल रही है। आप इतने ही सेंट्स अगर निकाल लेते हैं तो शायद आपका कुछ ना कुछ बचत हो जाए, वरना आपका टोटल लॉस तो ऑलरेडी होने ही वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे चैनल की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच रहे। और टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं सारे अपडेट सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आप देख सकते हैं वैसे भी मार्केट के जो हालात है वो थोड़े बुरे चल रहे हैं। BTC $26,000 के आसपास आ चुका है, जो ऑल्ट कॉइंस है वही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मीम कॉइंस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके के जो स्कैम टोकन्स हैं, स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं। और वैसे भी इनकी जो न्यूज़ अपडेट्स बार बार सामने आ रही हैं, उससे धीरे धीरे जितनी भी कम्युनिटी एसटीए की, उनको क्लैरिटी मिलती जा रही है कि एसटीए एक स्कैम ही था। आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको एसटीए मिल तो जाएगा, लेकिन मार्केट कैप देखोगे तो ये जो डेटा है ये वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड डेटा है, यानी कि मार्केट कैप बिल्कुल गलत है। इसी के साथ सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये भी इन्होंने बोला है कि ये भी गलत दी गई है, ये सही सप्लाई नहीं दी गई है, ये वेरीफाइड नहीं है, जिसकी वजह से अभी इसको $0 के आसपास ही रखा जाएगा। और वैसे भी जब से अपडेट आई है तो धीरे धीरे सभी को पता चल रहा है कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट था। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है कि इनका जो सोशल मीडिया का हैंडल था वो सिर्फ एक ही था, जो है ट्विटर। हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम इसके सोशल के ऊपर क्लिक करते हैं, ट्विटर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ सामने आ रही है, दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, यानी कि इन्होंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ ट्विटर के साथ नहीं हुई है, इसी के साथ अगर हम बाकी इनके मेन वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, stoken.io के ऊपर, यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम भी यही आएगा, दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने यह पेज भी डिलीट कर दिया है। तो धीरे धीरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल से जो भी इसको रन कर रहे थे, पीछे काम कर रहे थे, उनके अकाउंट्स डिलीट होते जा रहे हैं। तो आप अभी समझ लीजिए, एटलीस्ट इतना तो समझो कि आपको इस चीज़ से बाहर आना है, जितना पैसा मिल रहा है बेचकर उतना निकालना है। अब आते हैं मेन अपडेट के ऊपर, जो कि कल के दिन आई थी, जिसमें बताया गया था कि जो एसटीए क्रिप्टो पोंजी स्कीम है उसी के रिलेटेड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है उन्होंने लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट हंगेरियन नेशनल अभी डिक्लेयर कर दिया है। जो हंगेरियन के नेशनलिस्ट हैं, यानी कि डेविड गेज, 32 साल के प्राणी हैं, जो कि अपने आप को हेड बोल रहे थे ये इस सबसे बड़ी एसटीए टोकन की पोंजी स्कीम में, उनका लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। तो हज़ारों करोड़ का पैसा इन्होंने 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से इकट्ठा किया है, और इसमें RBI की ऑथराइजेशन बिल्कुल भी नहीं ली गई है। शायद इतना ज़्यादा पैसा जब भी इकट्ठा होता है या फिर बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो RBI उसमें अपना एंटर करता ही करता है, क्योंकि उनको देखना पड़ता है कि क्या इतनी बड़ी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं क्या वो अप्रूव्ड हैं या नहीं, क्या वो RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक हो रही हैं या नहीं। तो 2022-23 में इन जो डेविड का है, इनका टूरिस्ट वीज़ा इनका शुरू हुआ था, तो ये 25 दिन लगभग ट्रैवल किए, ओडिशा, गोवा, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, यानी कि अलग अलग जगह पे इन्होंने ट्रैवल किया। तो सबसे पहले ये USA से आए थे, टर्की से आए थे, दूसरी बार ये पोलैंड से आए थे। ये सब कुछ पूरी डिटेल अभी सामने आती जा रही है, यानी कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो हर एक चीज़ को सामने ला रही हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये भुवनेश्वर में, भद्राक में, अलग अलग जगह पे रुके भी हैं। और गेज जो हैं, इन्होंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑलरेडी डिलीट कर दिया है जब से ये केस शुरू हुआ है। लेकिन आपको अभी भी शायद AI जनरेटेड वीडियोस दिख रही होंगी, तो उस पर ध्यान मत देना क्योंकि वो AI जनरेटेड है। आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान बैठा हुआ है लेकिन उसके सिर्फ लिप्स हिल रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ बोल रहा है, उसकी बाकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो AI जनरेटेड ही है। आपने उन बातों में नहीं आना कि हाँ
कि डेविड गेज अभी भी लाइव आ रहे हैं, अभी भी वीडियोस दे रहे हैं हमें, अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक और सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो ये कि एक रूल एमनेस्टी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि कोई भी अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आता है वो बिजनेस या प्रमोशन एक्टिविटी नहीं कर सकता इंडिया में, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा किया है डेविड गेज ने। और ये जो फैक्ट है अभी एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बताया जाएगा और इसका अलग से एक एक्शन लिया जाएगा। अब इसी के साथ एक और फॉरनर है जो डच नेशनल है यानी कि डच से आए हैं। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं जो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को अभी धीरे धीरे स्क्रूटनी में लाया जा रहा है और सभी के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। अगर हम बात करें दो पहले जो अरेस्ट हो चुके हैं वो है गुरतेज सिंह सिद्धू, नीरव दास। आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस मिल रही होंगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि हाँ आप अभी भी एसटीओ को बाय करके रखो, होल्ड करके रखो, मेरे बाहर आने तक आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, अभी हमारी बहुत कुछ पेंडिंग चीज़ें पड़ी हैं जो हम बाहर आते इन सबको चलाएंगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सच्चाई है कि जब भी ऐसा कोई भी एक्शन आ जाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, चाहे वो MLM है चाहे वो क्रिप्टो है, वो दोबारा फिर नहीं काम कर पाता अनटिल अनलेस वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो। फॉर एग्जांपल वजीरएक्स है, फॉर एग्जांपल बाइनेंस है, कुछ ऐसे रियल जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं वो इस चीज़ से डेफिनेटली बाहर भी आते हैं और काम भी कर पाते हैं। लेकिन जो एसटीए टोकन की जो पोंजी स्कीम बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे था कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा था, जिसकी वजह से प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि इनका प्रोजेक्ट रियल भी था। यही कारण है कि इनके धीरे धीरे सारे के सारे अकाउंट्स डिलीट होते जा रहे हैं और आने वाले समय में जल्द इनकी वेबसाइट्स भी डाउन कर दी जाएंगी। लेकिन आपको एक फ़ायदा ये है कि आपको सोल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये फ़ायदा है कि आप पैनकेक स्वैप के ऊपर जाओ, वहाँ पे आपके अगर एसटी टोकन्स आपके पास पड़े हैं, वॉलेट में पड़े हैं, तो उनको सेल कर दो। तो यही क्रिप्टो का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। वही अगर कोई INR प्रोजेक्ट होता है तो सारा के सारा पैसा क्या होता है, वो गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है, उसको सीज कर देती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा आपको हमेशा यही मिलने वाला है कि आप इजीली वॉलेट्स के ऊपर जाकर डैप को एक्सेस करके, डेक्स को एक्सेस करके उसके ऊपर आप सेल कर दो, ताकि आप इस झंझट से ही बाहर आ जाओ। अब इसी के साथ एक और नाम सामने आ रहा है जो पिल्लाई हैं, यानी कि वो एक अपलाइन मेंबर हैं, एसटीए के टॉप मेंबर हैं, तो उनके नीचे भी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है और कहा जा रहा है कि उनका भी गुरतेज सिंह और नीरव दास के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी या फिर बहुत ही क्लोज थे उनके साथ, तो उनके ऊपर भी अभी एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं एसटीए के, तो उसमें कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, आपको सिर्फ डिटेल ही बताई गई है कि आपने कैसे चेक करना है। आज अगर हम सिर्फ एसटी टोकन की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा कोई और प्रोजेक्ट आ सकता है जो आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत स्कैम कर सकते हैं, जिस कारण मैंने आपको सारी वीडियोज़ डिटेल्ड वीडियोज़ दी हैं ताकि आप खुद चेक कर पाएँ कि आपके साथ स्कैम तो नहीं हो रहा। तो वो वीडियोज़ ज़रूर चेक करना। अगर इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नीचे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। एंड हाँ, लास्टली आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देख लो, एक महीने के अंदर 90% 100% प्राइस नीचे गिर गया, जो वॉल्यूम है वो भी ऑलमोस्ट नीचे गिरा, मार्केट कैप यहाँ पे $0 कर दिया गया है। इनकी जो वॉल्यूम है मार्केट कैप 24 आवर्स का, वो जीरो ही दिखाया जा रहा है कॉइन मार्केट कैप के द्वारा, क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस कारण आपको एटलीस्ट इतना समझ आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट स्कैम प्रोजेक्ट ही है, इसमें कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मेरी तरफ से मिलती रहेंगी। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।